प्रेशर और हीमोग्लोबिन का है सर। हीमोग्लोबिन में अच्छा कहाँ है? इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन या इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कौन सा स्टेटमेंट बेटर है? ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ठीक है ना? और ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करता है, तो ऑक्सीजन से बाइंडिंग वाला जो यूनिट है, इसमें हीमोग्लोबिन में कितने मायोग्लोबिन होते हैं? इन अ सिंगल हीमोग्लोबिन फोर, 4% होंगे, ठीक है ना? इसीलिए हीमोग्लोबिन को कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मायोग्लोबिन क्या स्ट्रक्चर है? मायोग्लोबिन जो है आपस में होता है हीमोग्लोबिन का। इसमें ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तो ये कर्व बनाएगा, ठीक है? वो कर्व सिग्मोइडल से एस से पे कर्व होता है, कैसा होगा? एस से कर्व बनता है। और जब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है तो ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को। कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बाइंडिंग को प्रमोट करते हैं। तो जब प्रमोट करेगा तो जो शिफ्ट मिलेगा वो होगा लेफ्ट शिफ्ट। जब एफिनिटी बढ़ता है हीमोग्लोबिन का तो शिफ्ट जो मिलेगा वो किधर की तरफ जाएगा? लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है? और ऐसे फैक्टर जो हीमोग्लोबिन के एफिनिटी को घटाते हैं उसको कहते हैं हम लोग राइट शिफ्ट। किधर शिफ्ट होगा तब? कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा। यहां पे कुछ बातें बिल्कुल समझने वाली है, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए इस स्लाइड को अच्छे से देखना। हमने क्या कहा कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, यहां पे मिटाना है, हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ, फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ठीक है ना? और क्या बनेगा एज ए रिजल्ट? ऐसा बन सकता है अनुराधा? जी सर। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कंबाइन विथ फोर ऑक्सीजन एंड कैन फॉर्म HbO2 4, ऐसा हो सकता है? तो जो फैक्टर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है, और प्रमोट करने के बाद से, जैसे कि हमने बताया कि एस शिफ्ट एस सेपरेट कर्व बनता है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को कैरी करता है तो जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा? एस सेपरेट कर्व होगा। और जब इसका एफिनिटी बढ़ जाता है तो ये कर्व जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने लगता है। किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट। लेफ्ट कब लेफ्ट की तरफ होगा? जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है? और राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा? जब एफिनिटी कम होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है? तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है? राइट शिफ्ट मतलब रिड्यूस एफिनिटी, आर फॉर राइट आर फॉर रिड्यूस, याद रहेगा? जी सर। अगर कह दे क्वेश्चन में कि हीमोग्लोबिन का जो कर्व है राइट शिफ्ट हुआ, राइट शिफ्ट हुआ मतलब एफिनिटी वहां पे घट गया, ठीक है? और मेंशन रहे कि हीमोग्लोबिन का कर्व जो है, हीमोग्लोबिन एफिनिटी कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ मतलब इंक्रीज एफिनिटी, क्लियर है? जी सर। एफिनिटी बढ़ेगा तो कर्व किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ। और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एफिनिटी घटेगा, रिड्यूस होगा तो किधर शिफ्ट होगा? राइट राइट की तरफ, ठीक है? और नॉर्मल जो P50 वैल्यू है वो कितना है? 27 mmHg है, ठीक है? दिस इज द नॉर्मल P50 वैल्यू। P50 मतलब
पार्शियल प्रेशर हाँ, पार्शियल प्रेशर 50% सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये 8 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने का कैपेसिटी है। अगर O2 हम जो P50 वैल्यू है उससे 27 mmHg है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो राइट की तरफ कर्व को शिफ्ट करवाते हैं और कौन कौन से फैक्टर लेफ्ट की तरफ कर्व को शिफ्ट करवाते हैं।